रहे कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है। टूरिस्ट सीजन में संक्रमण का खतरा बढ़ता है, इसीलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शिवप्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी कोविड 19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो हमने पिछले सप्ताह ही एक मॉक ड्रिल करी थी केसेस को देखते हुए, निमोनिया के केसेस को देखते हुए। हमारे यहाँ दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कफ सिरप्स हैं, सारी चीज़ें एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क सारे व्यवस्थित हैं। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि पीछे की जैसे डेल्टा वेरियंट था अपने यहाँ, तो उसमें देखते हुए लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कोविड में, बहुत पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोविड की, उसको देखते हुए अब बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन। सामान्य लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की अच्छी खासी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। भले ही कोविड का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है, तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।